अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल मेहरमा एंड है? ये हाथ में डंडा क्यों पकड़ा हुआ है मेहरमा? हाँ भाई जवाद देखें, आज माशाल्लाह से ये सूट बूट सूट पहन गया है, सफेद सूट पहना है जवाद ने। छोड़ो तभी चल, वो चना बोलते हैं आसिफ चाचा थे वहाँ से छुपता हूँ तो वहाँ से नजर आते थे, गलियों में से ढूंढ ढूंढ के आना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी गले। हाँ ये भाई सफाई कर रही थी, मैं आया ना हेली सफाई कर रही थी। हमारे बर्ड्स देखे इंतजार कर रहे हैं, हमारा मोर भी इंतजार कर रहे हैं और हसान भी। हमसे सारी देरी हुई है हमें हसान की वजह से, हसान लेट आया बहुत ऊपर। हाँ ये हमारा सब्सक्राइबर आया, इसने हमें इतना कीमती गिफ्ट दिया था ना, आप यकीन करें उसका एहसान हम सारी जिंदगी भर नहीं उतार सकते हैं। कासिम कितना कीमती गिफ्ट दिया था ना, वो जो कबूतर था ना वो था लक्का कबूतर। इसने एलिफ को बोला था कि ये लक्का कबूतर, लेकिन वो था लकवा। उसकी गर्दन कैसी होती थी जवाब? हाँ मुझे लगा कि वो काला कबूतर है। हाँ तो वो इतना इतना कीमती गिफ्ट था वो कबूतर, सिर्फ गर्दन ही हिलाता है ना, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था इतना कीमती गिफ्ट दे कैसे दिया भाई। हम खोलते हैं फटाफट से अपने सारे पेट्स को, हमारे पेट्स हमारा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, तो खोलते हैं फटाफट से अपने पेट्स को। चलो जवाब ये दरवाजा जाम कर देना, उस साइड ले जाना। इसमें भी डाल देते हैं पानी, और पानी भर के लाओ। हसन पानी भर के ले, हसन पानी ले भाई, डालो हसन थोड़ा थोड़ा पानी लिया, मुझे पकड़ो थोड़ा वो डालो। हाँ हाँ टर्की बर्ड को खोलो, हसन पानी डाल रहा है। हाँ लड़ाई होने वाली है, टर्की बर्ड को खोलते हैं फटाफट, फिर हम जाएंगे मोर के पास। चलो आ जाओ आ जाओ टर्की बर्ड, चलो 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 चलो। टर्की बर्ड से मुझे आंसू डालने वाली बाहर याद आ रही है, टर्की बर्ड। हाँ वो तो टर्की बर्ड बोलता है भाई इसे। आसिफ डैड आपको पकड़ लेगा, हम छुड़वा लेंगे। अरे सील मुर्गी ने अंडा दिया, और कोई अंडे छंडे हैं? नहीं नहीं है अंडे। हाँ आसिफ डाडा माफ कर भाई, ये वाली डक हमारी बीमार हुई है ना, ये डक भी दिखाओ जरा। हैं दूसरे ना डालते नहीं। हाँ बाबा ये डक जो है ना हमारी, ये बीमार हो गई है, इसको मारा है सारे डक से मिलके। इनको इसको भी बाहर और पानी डालो, जाते हैं मोरों को फीड डालने। आ गए हैं अपने प्यारे प्यारे मोरों के पास, दाना डाल रहे हैं। चलो डालू? हाँ डालो डालो, शाबाश हसन पानी डालो। राजू मैं तो कहती हूँ इनको धो देते हैं। किनको धो देते हैं? मोरों को, इसको कूड़े को नहीं, मट्टी दे थोड़ी बहुत हो मसला नहीं है। चले भाई सबको डाल दिया, आ जाओ भाई। अब हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि सबको डालना पड़ेगा, हम जा रहे हैं। क्योंकि हमने टर्की बर्ड भी खोल लिया, सारे बर्ड खोल लिए, उनको हमने उनकी फीड डाल दी। इस मुर्गी को हमने बंद कर दिया, देंगे टर्की बर्ड अभी भी इसके साथ झगड़ा करने के इरादे में। ये लो चलो भाई। हाँ नाश्ता नहीं बनेगा, सबका रोजा है, रोजा है। हाँ तो हम जाते हैं नीचे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद रोजा खोलेंगे, फिर उसके बाद हम मिलेंगे आप सब से। सही है चाचू।
ये कॉपी नहीं है, किताब है। दे दो ढूंढी आपने तो ये हमारे बच्चे थे, आपने देखा ये बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, ये हमारे बच्चे, ये बच्चे हमारे। पेट्स को हमने खाना डाल दिया था, उसके बाद हम चले गए थे रोजा खोलने की तरफ। हमने रोजा वगैरह खोला, आप सबके लिए भी दुआएं की है। उसके बाद मैं आ गया हूँ ड्राइंग रूम में, सारे बच्चों को मैंने जमा कर लिया है और हमें कमेंट्स आ रहे भाई कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। तो आज ये कंफ्यूजन भी हम क्लियर कर देंगे और अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा देंगे कि हम कितने भाई हैं और हमारे घर में कितने बच्चे हैं। तो हमारी फैमिली के सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। और दूसरा कमेंट आ रहा था हमें बार बार कि बच्चों के मोबाइल वाली बात झूठ है, क्या बच्चों के पास मोबाइल है या नहीं। तो हमारे सब बच्चों के पास मोबाइल है। तो भाई आ जाओ सारे बच्चों अपने अपने मोबाइल दिखाने के लिए। हाँ अभी एक मिनट ऐसे नहीं, टॉर्च ऑन करो टॉर्च। ये बच्चे टॉर्च ऑन करेंगे, 1 2 3। मेहरमा के मोबाइल की टॉर्च नहीं जल रही है, नहीं जल रही है, ठीक है। सबके हाथों में मोबाइल है, देख लो भाई। ये पिड्डी है, पिड्डी है, दिखा दिया मैंने आपको भी दिखा दिया। अच्छा अब सब अपने मोबाइल की स्क्रीन भी दिखा दो। दिखा दो, सारे शो करो, सारे शो करो, सब शो करो। चलती हुई स्क्रीन है भाई, देख ले तमाम बच्चों के पास मोबाइल फोन है और ये सबके मोबाइल एक जैसे हैं, सबके। ये देखो भाई, ये भी चल रहा है, चल रहा है। हसान का भी चल रहा है, चाचू फातिमा का भी चल रहा है भाई, देख लो। ये चाचू मेरा नहीं दिखा, काशिम का भी चल रहा है, आपका भी दिखा दिया। चलो लाइट ऑन करो, लाइट ऑन हो गई है। अब आप जो है अपने मोबाइल के कलर्स भी दिखाओ, कलर दिखाओ। ओके गाइस, ये एलिन के मोबाइल का कलर है मिंट ग्रीन, मिंट ग्रीन, मिंट ग्रीन, ब्लैक। ये दो ब्लैक है। तो भाई ये तो हो गया, मोबाइल वाली बात कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि हमारे सब बच्चों के पास न्यू मोबाइल फोन है। अब तो कोई किसी को सवाल है तो पूछ लो, सब बच्चों ने दिखा दिए ना भाई, सबने सबके नए मोबाइल है ना भाई। तो भाई अब जाते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। इट्स मी दाशपीन, आप लोग इंट्रोडक्शन में सुनते होंगे, आप लोग देख रहे हैं हमारे मेहरमा एंड जुनैद। तो मैं हूँ मेहरमा, मेरा नाम एलिफ है, मेरा नाम एलिन है, हम सब बहन हैं। हमारी एक बहन लिसा भी है जो कि इस वक्त सो रही है। हम लोग पांचों बहनें और हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। दिव्य और सजनों, आपके सामने जो शख्सियत बैठी है उसका नाम हसान है और मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ। तमाम बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन करा लिया और मैं भी अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, हम चार भाई हैं बस, हमारी कोई सिस्टर नहीं है। तो इंट्रोडक्शन कराने के बाद मैं आ गया हूँ वापस से अपने बच्चों की तरफ। ये देखो आज ये सारे बोर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों सारे अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हैं। ये देखो सारे, मैं तो और आपको पता है ये अभी कौन सी बातें कर रहे थे, ये दज्जाल की बातें कर रहे थे। पता नहीं कौन सा यूट्यूबर इनको बोल रहा है, ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं कि एस्टोला आइलैंड के ऊपर जो है ना दज्जाल आ गया है। किसने बताया एस्टोला आइलैंड पे ना दज्जाल है, और ना बता रहे दज्जाल की एक आंखें उसके सर माथे पे काफी लिखा है, उसके इतने बड़े बड़े बाल है। हां ये आपने कहां से सुन लिया भाई, सर्च किया है, उसके बाल कर लिए, इतना सब कुछ उसके बता रहे उसके बाल कर लिए। हाँ, चाचू हम ना वो जो अस्टोला आइलैंड है ना, एक जगह पे
वहाँ पे ना एक झरने वगैरह, हम वहाँ जाने का सोच रहे। मैंने मम्मा को मना कर दिया, मैंने नहीं नहीं वहाँ तो दज्जाल है, हमको तो डर लगता है। ये तो भाई मुझे भी डरा रहे हैं, ये दज्जाल की बातें कर रहे हैं। वो तो हमारे लिए बड़ी बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ऐसी आजमाइशों से और दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। तो ऐसी बात, ऐसी वीडियो नहीं देखा करो, रात को ख्वाब में आएगा दज्जाल। यहाँ पर अभी हमने आसिफ डाडे से, आपको पता है इतना बच बच के हम चल रहे हैं, हम गली के अंदर भी निकलते हैं ना, पहले यूं देखते हैं फिर यूं देखते हैं फिर हम आगे जाते हैं। अरे भाई उसके बहुत सारे बंदे हैं, उसके ताल्लुकात भी इतने ना, जगह जगह कब्रिस्तान में भी उसका अड्डा है, कब्रिस्तान में भी बैठता है। जो अपन के भी दोस्त थे वो भी उनके पास चले गए। हाँ तो जाहिर बात है डरते हैं ना भाई। हम लोग ने मेन रोड से आसिफ डाड़े ने मुझे यूं पकड़ा, उसने मुझे यूं उठा लिया, कहता तुम लोग बहुत मेरी वीडियो बनाते हो, तुम लोगों को तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज है। अरे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो सलाउद्दीन जो हमें वीडियोस बना के दे रहा था ना उसकी, वो भी आजकल उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये बात पता नहीं चली है उसके साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, वो आसिफ डाडे को पता चला है या नहीं पता चला कि उसने हमें वीडियोस बना के दी थी, वो फिर हमने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी और यूट्यूब पे डाल दी थी कि उसने कहा कि भाई मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दे दी है, अगर आसिफ डाडे को पता चल गया तो मेरे साथ वो क्या करेगा। है भाई उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। चाचू मैंने सुना आसिफ डाडे है ना अब बहुत खतरनाक प्लान बना रहा है। खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। अरे हाँ ये सही, दो दिन सकून एक दिन का खाया कर रहे, रात को हमें किडनैप कर लेगा। अपना वो है ना सोसाइटी जहाँ अपना घर बन रहा है वहाँ पे ना आगे उसने एक प्लॉट खरीदे, वहाँ पे उसका भी अड्डा ही, वहाँ भी अड्डा है, उसका कब्रिस्तान में भी अड्डा है, उसका अपनी सोसाइटी में भी अड्डा है। अरे भाई ये दो दिन जो आराम दिया वो एक दिन में ही सब मोबाइल सबसे खूबसूरत है आपके मोबाइल को। अरे ये काम करते हैं, मैजिक करता हूँ, अगर मैं मेहरमा के मोबाइल को कन्वर्ट कर दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ 15 प्रो मैक्स में कैसा होगा? कर दूं? लाओ भाई चाचू, ये लो ये रहा, लाओ मोबाइल दो, ये पकड़ो, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे? ये तो पकड़ो, एक मिनट चलो, ये मोबाइल को मैं डालता हूँ पॉकेट में अपनी, ठीक है? तो आप लोग चाहते हैं तो मैं 15 प्रो मैक्स कर दो, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनेंगी। चलो भाई, ये 1 2 3 कल आपको पता है हमारे मोर की वैक्सीनेशन नहीं थी, हमारे वकास भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से वो आ नहीं सके। अभी हमने उनसे टाइम ले लिया तो वो आ गए होंगे, तो हम जाते हैं अपने मोर की वैक्सीनेशन की तरफ। आज मोर के ट्रीटमेंट का है 11वां दिन। कल हमारे वकास भाई की तबीयत काफी खराब थी, वो घर चले गए थे, वो वेट कर रहे थे। वकास भाई तबीयत कैसी आज आपकी? मेरी तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हवा ज्यादा है, वायरल इन्फेक्शन है। वकास भाई कह रहे हैं कि आज हवा बहुत ज्यादा है, देखिए बस भी हमारे डिस्टर्ब हुए, ये सारे व्लॉगर आए हैं, ये सारी व्लॉगिंग कर रहे हैं। भाई देख लो इनके मोबाइल दिखा दो, सबके पास में अपने मोबाइल है। ये एलिन का, ये किसका है दिखाओ, बैक साइड दिखाओ भैया, इसका मोबाइल है, ये मेरा है, ये इसका ताश्वीन आप दिखाओ अपना, सबके मोबाइल में भी मैंने दिखा दिए। तो वकास भाई खिला रहे हैं मोर को चाय और ब्रेड,
उसके बाद देंगे उसको मेडिसिन। और बकास भाई ने कहा कि आज हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप लोग अपने ये जितने भी मोर हैं इनको भी यहाँ अंदर शिफ्ट करें, ताकि इन्हें भी कोई मतलब नज़ला बुखार इस तरह की कोई बीमारी ना हो। तो मिलते हैं अब आपसे मेडिसिन देकर। मोर को आज दी जा रही है 2 टाइप मेडिसिन। अब ये वकास भाई बताते नहीं है, जो भी मेडिसिन देते हैं खुद लाते हैं। और मैं इन्हें लूसन भी दे रहा हूँ, रात के टाइम भी हम 2 टाइम देते हैं इन्हें खाना, एक रात को एक सुबह। हाँ 2 टाइम। हमारी डस्ट अग्रेसिव हो रही है। हो गई दोनों जी? हो गई दोनों। तमाम पेट्स को हमने खाना भी डाल दिया, मेडिसिन भी दे दिए। अब हम मिलेंगे बाद में। हैं? ये हम लोग मिलेंगे आप लोगों से बाद में। आज इंतहाई ठंड है कराची में, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हवा रही थी। वकास भाई ने ये सारा पैक करवाया ताकि यहाँ पर हवा ना आए और हमारा एक मोर बीमार है, ताकि ये मोर बीमार ना हो। और हवा जो है वो यहाँ अंदर भी जा रही थी, ये दरवाज़ा भी हमने बंद कर दिया ताकि बर्ड्स को जो है वो थोड़ा गर्मावा मिले। बच्चे हमारे शरारतों में मसरूफ हैं। ये देखे भाई, ये क्या बना रहे हो? टिकटॉक बना रहे हो? लोगो बना रहे? ये असल काम जो है एलिफ कर रही है, सफाई कर रही है। सारा काम हो गया? ये सारा काम हो चुका है, मैं बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ी भी ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रही हूँ। तो हम लोग जाएंगे फिर नीचे। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने नेम सेशन में। फर्स्ट नेम है तहा शफिक, सेकेंड कमेंट माई नेम इज इरगा, माई नेम माई सिटी नेम इज गुजरावाला। आसिफ भाई माफ कर दो, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। मोहम्मद फैजान भी आपका। माय नेम इज हमजा है, मेरा नाम हसन से लो, हसन भैया सोने चले गए। माय नेम इज अमीना नदीम, मेरा नाम भी लेना प्लीज। कंट्री पाकिस्तान, सिटी गुज्जर खान। मेहरमा वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट, थैंक यू। मेहरमा आप अपनी मदर का फेस रिवील करो। नो 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 नो। और मेरे डीपी कैमरा में सामने दिखाओ, आपकी डीपी नहीं लगी हुई भाई। हुम्मे हानी आपका भी नेम ले लिया है। सेइंग यस टू हसन 24 आवर्स। जब ज़्यादा कमेंट आएंगे तब। मेहरमा मेरा भी नाम लो प्लीज़, आप प्लीज़ नहीं बोला करें प्लीज़। माय नेम इज़ फरियाल मुदस्सिर अली खास केली प्लीज़। नेम इज़ आयान। My name is Ira Maisid. My name is Anchara. My name is Ira. My name is Anchara. 2 comments. Emma, मेरा नाम ले लो बिस्मा। मेरा नाम ले लो अब्बास। My name is Ayan. Emma, what is school name? मैं होम स्कूलिंग करती हूँ, स्कूल का नेम नहीं है। My name is Iman. जुनैद भाई सबके साथ yes challenge करो, बहुत सारे कमेंट करो। मैं अपने इलाके का डॉन हूँ और आशिक दादा को जानता हूँ। आशिक दादा नहीं, आसिफ दादा। टर्की वर्ड वाला याद आ गया। माई नेम इज जी हक एंड माई सिस्टर नेम इज जैनब। लास्ट कमेंट है प्लीज रिस्पेक्ट अवेस। कौन सा अवेस की बात कर रहे हो? ओके गाइस, मेरा गला खराब है तो आज बस यहीं पे मुझसे नाम और नहीं लिए जा रहे। इसी के साथ नेम सेशन को करते हैं यहीं पे एंड, किसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देना ताकि हर आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। ओके टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।